हेडिंग डालेंगे कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या है? देखो होता क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया कि ए और बी आपस में रिएक्शन करके सी बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? ये ए का मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल, ये आपस में दोनों आपस में कोलाइड करते हैं। जब कोलाइड करते हैं तभी सी बनता है। अब इनका जो कोलिजन होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्रॉपर कोलिजन, एक होता है इम्प्रॉपर कोलिजन। देखो कोलिजन प्रॉपर इम्प्रॉपर से क्या मतलब है, इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, देखो इम्प्रॉपर का मतलब होता है जैसे ये ए मॉलिक्यूल है, ये ए मॉलिक्यूल है, ये ए मॉलिक्यूल है, ये सॉरी ए है, ये बी मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, ये बी है, ये आपस में आएंगे कोलाइड करेंगे। इसमें इस ए से इस ये वाला बी कोलाइड कर सकता है लेकिन ये ए वाला इसके बी से नहीं कर सकता, तो ये हो गया इम्प्रॉपर कोलिजन। ठीक है, अब प्रॉपर कोलिजन क्या होता है, प्रॉपर में क्या होता है, ए मॉलिक्यूल, ये ए मॉलिक्यूल, ये बी मॉलिक्यूल, ये बी मॉलिक्यूल, इसमें सभी मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन कर पाते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर कोलिजन। अब देखो अब कोलिजन करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की पहले से जरूरत होती है, भाई लड़ाई करनी तो एनर्जी तो होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत, तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इन दिस थ्योरी, लिखो इन दिस थ्योरी, इन दिस थ्योरी द रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट कोलाइड with one another, known as collision theory। ठीक है, अब कोलिजन करने के लिए जो रिएक्टिंग स्पेसीज है जैसे ए और बी हैं, इनके पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, वो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो हेडिंग डालेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, लिखेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which colliding molecule must possess is known as थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, ओके okay।